दोस्तों ये बात है तकरीबन आज से 6 साल करोड़ पहले की, जो उस समय डायनासोर का विनाश हुआ और इंसानों का जन्म। लेकिन ये सब कैसे हुआ देखते हैं आज इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। दोस्तों आज से 6.5 साल करोड़ पहले की बात है, जब एक बड़ा एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से टकराता है। ये बड़ा एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से टकराते ही डायनासोर का मौत का काम डाउन शुरू हुआ। इसका असर ये हुआ कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी डायनासोर मारे गए। दोस्तों डायनासोर का अंत जंगल में रहने वाले और एक प्राणी के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। दोस्तों ये जानवर था मैमल्स। दोस्तों मैमल्स एक ऐसा जानवर था जिन्होंने खुद को इस महाविनाशक एस्ट्रोनॉट से बचने के लिए जमीन में चला गया। इस घटना के बाद उसने सर्वाइव करने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी घटना गुजरने के बाद फिर से धरती कुछ साल बाद हरी भरी होने लगी। दोस्तों धरती की गोद में फिर से नए जानवर और जीव उत्पन्न होने लगे। उसके साथ ही दोस्तों जो मैमल धरती पर जीवित बचे थे उसका आकार बंदर जैसा होने लगा, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। दोस्तों बंदर की जो प्रजाति थी उसमें विकास हुआ और वो धीरे धीरे खड़े होकर चलने लगे। दोस्तों बदलते जीव और प्राणियों के विकास के साथ साथ धरती का वातावरण भी बदलने लगा और पृथ्वी के प्लेट में भी हलचल होने लगी और धरती के कई प्लेटों एक दूसरे में जुड़ गई। दोस्तों समय के साथ साथ जंगल विस्तार घटने लगा और मैदानी विस्तार बढ़ने लगा और वातावरण में अपना जीवन टकाने के लिए ऐसे जानवर उत्पन्न हुए जो किसी और जानवर को खाकर अपना जीवन गुजारते थे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप ले रही थी जिसे हम आज देख रहे हैं और धरती का वातावरण लगभग आज है वैसा ही हो गया था। दोस्तों 50 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगल में पानी सूख गया और उस जंगल में सर्वाइव कर रहे थे ग्रेट एक्स। हमारी इंसानियत की शुरुआत इसी ग्रेट एक्स से हुई है जिसको पेरोलापिथेकस भी कहा जाता है। दोस्तों जंगल सूखने के बाद धीरे धीरे ये प्राणी पेड़ों से नीचे उतरने लगे। खाने की तलाश ने उसको अपने आप को जमीन में चलने के लिए मजबूर कर दिया और खुले मैदान में चलने के लिए उसने अपने आप को सक्षम बनाया। दोस्तों नीचे उतर कर वो अपना खाना ढूंढते और फिर से पेड़ पे चले जाते। दोस्तों समय ऐसा था कि अब वो चलते चलते भी खा सकते थे। दोस्तों दो पेड़ों पर चलने से वो दूर तक नजर भी रख सकते थे और अपना खाना भी ढूंढ सकते थे। तो समय के साथ साथ उसके दिमाग में भी विकास हुआ, अब वो शिकार भी कर सकते थे। वो शिकार को पत्थर से काट रहे थे तभी पत्थर उसके हाथ में लग गया। तभी उसको पता चला किसी धारदार पत्थर से शिकार को काटना बड़ा आसान होता है। दोस्तों समय बीतने के साथ साथ अब वो जानवर एकता में रहने लगे। अब वो कोई शिकार करने के लिए यूनिटी का इस्तेमाल करता था। उसी समय दोस्तों वो लोग आग का भी इस्तेमाल करने लगे और आग की खोज उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गई। आग से उसे गर्मी, रोशनी और शिकार भी पकाने को मिलता था। आज से 2 लाख साल पहले इंसान अपनी आवाज का भी उपयोग करने लगा और इसी आवाज यूनिटी में भी बढ़ावा हुआ और लीडरशिप का विकास भी हुआ। दोस्तों इसके बाद के समय के बाद हम बने यानी कि होमो सेपियंस। दोस्तों आदिमानव से लेकर होमो सेपियंस का सफर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।